एक गांव में सुमन नाम की औरत अपनी पोती माया के साथ रहती थी। कुछ वर्ष पहले माया के माता पिता का निधन हो गया था। माया एक अच्छे स्कूल में पढ़ती थी कि दादी घर का सारा काम खत्म करती थी और उसके बाद अपनी दुकान पर मोमोज बेचने चली जाती थी। उसी से उनके घर का गुजारा चल रहा था। माया की क्लास में तानिया लड़की पढ़ा करती थी। उसके पिताजी बहुत ही बड़े बिजनेसमैन थे। तानिया हमेशा माया को परेशान किया करती थी। माया पढ़ाई लिखाई में बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, वहीं तानिया बहुत ही ज़्यादा गंदी थी। उसे पढ़ाई लिखाई करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तानिया, पढ़ाई में थोड़ा ध्यान लगाया करो, तुम बिल्कुल भी नहीं पढ़ती, माया से सीखो कुछ, वो हमेशा क्लास में फर्स्ट आती है, उसके माता पिता भी नहीं हैं। ठीक है मैम, आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। तानिया पर क्लास के सभी बच्चे हंस रहे थे। आज मुझे इस मोमोस वाले की वजह से पूरी क्लास में शर्मिंदा होना पड़ रहा है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। अगले दिन माया स्कूल जाती है। तानिया क्लास सामने खड़ी थी। जैसे ही माया क्लास में एंटर होने लगती है, तानिया उसे जोरदार धक्का देती है। तुम पागल हो क्या? तुमने मुझे धक्का क्यों मारा? मैं तुम्हारी शिकायत टीचर से करूंगी। अरे जा, मैंने तुझे कोई धक्का नहीं मारा। सुनो लड़कियों, क्या मैंने इसे मोमोस वाले को धक्का मारा है क्या? नहीं, तुमने इसे धक्का नहीं मारा, ये अपने आप गिरी है। सुन लिया ना, मैंने तुझे धक्का नहीं मारा। अब तू जाकर जिस मर्जी को बता, कोई भी बात पर विश्वास नहीं करेगा। ऐसा कहकर सभी बच्चियां हंसने लगती हैं। माया को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। ऐसे क्यों देख रही है मुझे, खाएगी क्या? माया को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, वो वहां से चली जाती है। अक्कड़ तो देखो इस मोमोस वाले की, इसकी अकड़ तो निकालनी ही पड़ेगी। हाँ तानिया, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, इसकी अकड़ तो निकालनी ही होगी। अगर मैंने इसे जमीन पर लाकर पटका नहीं तो मेरा नाम भी तानिया नहीं। कुछ दिनों बाद तानिया का जन्मदिन आता है। उसके हर जन्मदिन पर बहुत ही अच्छी डेकोरेशन होती थी। इस जन्मदिन पर भी तानिया की बहुत ही अच्छे से डेकोरेशन हो रही थी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर तानिया, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू मम्मी पापा। तानिया बेटा, इस बारी हमने बहुत ही अच्छी पार्टी ऑर्गेनाइज की है, हर कोई इस पार्टी को देखता ही रह जाएगा, तुम अपने दोस्तों को भी बुला लेना। इसके बाद तानिया स्कूल जाती है और कहती है, सुनो मेरे पापा ने शहर की सबसे बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की है, इसलिए तुम सब मेरे बर्थडे पार्टी में जरूर आना। सुन मोमोस वाली, तू भी आ जाना। ठीक है, मैं जरूर आऊंगी। और हाँ, अच्छे कपड़े पहनकर आना, अपनी इज्जत का नहीं तो मेरी इज्जत का जरूर ध्यान रखना। इसके बाद शाम को माया तानिया के घर जाती है। अरे वाह, इतनी अच्छी बर्थडे पार्टी तो मैंने आज तक नहीं देखी। क्यों माया, आंखें खुली की खुली रह गई ना? आज तक तूने इतनी अच्छी बर्थडे पार्टी नहीं देखी होगी, अगर आएगी है तो खाना खा कर जाना। और हाँ, जो तू बर्थडे गिफ्ट लाई है वो उसको डस्टबिन में फेंक देना, क्योंकि मुझे तुम जैसे गरीबों से कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। इसके बाद तानिया वहाँ से चली जाती है। फिर बार तानिया अपने बर्थडे का केक काटती है और वो एक प्लेट में केक माया के लिए लेकर जाती है। ये लो माया, केक खा लो। जैसे ही माया अपना हाथ आगे केक लेने के लिए बढ़ाती है, तानिया वो केक जमीन पर गिरा देती है। वो केक कुत्ता खाने लगता है। ओ शिट, केक तो जमीन पर गिर गया। माया जल्दी से तो साफ कर। तानिया, मैं गरीब हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुत्ते से भी गई गुजरी हूँ। माया, ज्यादा भाषण देने की जरूरत नहीं, अपने बर्थडे पार्टी में मुझे एक टॉफी तक नहीं खिलाती और मुझसे उम्मीद करती है कि मैं इतना महंगा बर्थडे केक तुझे खिलाऊं। चल भिखारन, मेरे बर्थडे पार्टी से निकल जा। देख लेना, मैं अपने जन्मदिन पे तुझसे भी महंगा केक लेकर आऊंगी, मेरे जन्मदिन पर जरूर आना। अगर तेरे घर एक पेस्ट्री भी आ जाए तो वो भी बड़ी बात है। माया गुस्से में वहां से चली जाती है। बेटा तुम उदास क्यों हो? दादी जी मजाक उड़ाता है,
कुछ दिनों बाद मेरा भी जन्मदिन आने वाला है, क्या आप मुझे भी एक बड़ा सा केक और नई ड्रेस ला के दोगे? मैं भी तो को दिखाऊंगी कि मेरी दादी जी किसी से कम नहीं है। क्या आप मेरे लिए बड़ा केक और सुंदर ड्रेस लेकर आओगे ना? हाँ बेटा बेटा, बस इतनी सी बात, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए केक और ड्रेस ले आऊंगी। फिर कुछ दिनों बाद माया का बर्थडे आता है। आज माया का बर्थडे था। सुन मोमोस वाली, तुझे अपना वादा तो याद है ना? हाँ मुझे याद है, आज मेरी दादी को बहुत ही बड़ा मोमोस का ऑर्डर मिला है, उसको बेचकर उन्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे, वो उन पैसों से मेरे लिए एक बड़ा केक और सुंदर ड्रेस लेकर आएंगी। तुम लोग मेरी बर्थडे पार्टी पर जरूर आना और केक खाकर जाना। इसके बाद माया की दादी मोमोस का ऑर्डर पूरा करती है और उन्हें बेचने के लिए निकल जाती है। मोमोस का ऑर्डर तानिया के पिताजी ने दिया था। पिताजी, क्या आपने मोमोस का ऑर्डर दिया है, उसे कैंसिल कर दो। ठीक है तानिया बेटा, मैं उसे कैंसिल कर देता हूँ। कुछ देर बाद माया की दादी तानिया के घर जा पहुँचती है। ये ले साहब, मैं गाऊँ मोमोस। अरे बहन, मुझे नहीं चाहिए ये मोमोस, इसको ले जाओ, मैं रेस्टोरेंट के ही मोमोस खाता हूँ। अरे ऐसा मत कीजिए, आज मेरी पोती का जन्मदिन है, मेरे से मोमोस ले लीजिए, मैंने केक लेना है। अरे बुढ़िया, जा रही है यहाँ से या चौकीदार को बुलाओ? नहीं नहीं, मैं जा रही हूँ। इसके बाद माया की दादी वहाँ से चली जाती है। माया की दादी उदास होकर जा रही होती है, वो एक पेड़ के नीचे बैठी थी। अरे अब मैं अपनी पोती का जन्मदिन कैसे मनाऊंगी? तभी वहाँ पर एक चटोरी भरी प्रकट होती है। माँ जी, आपके मोमो से तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, मोमो आप मुझे दे दीजिए। इसके बाद माया की दादी वो मोमोस परी को दे देती है। परी कहती है, अरे माँ जी आप यहाँ पर परेशान क्यों बैठी हो? माया की दादी सारी बात उस परी को बताती है। वो परी अपने जादू से चांदी का लहंगा और सोने का केक प्रकट करती है और कहती है, ये कोई आम लहंगा और नहीं है, ये जादू ही है, ये तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। इसके बाद परी वहाँ से चली जाती है। माया की दादी वो लहंगा और केक घर ले जाती है। शाम होते ही तानिया उसके घर में आती है। तानिया बहुत ही ज़्यादा खुश होती है क्योंकि माया ने अपना वादा पूरा किया था। इसके बाद तानिया और माया में दोस्ती हो जाती है और माया अपनी दादी के साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी है हमारी स्टोरी? अगर हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं किसी नई स्टोरी के साथ।